नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के भोज जिला चिकित्सालय में देर रात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तकरीबन 24 छात्राओं को पेट दर्द व सिर दर्द के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनका उपचार किया गया। सूचना पर धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि छात्राओं को पेट दर्द व मितली आने की शिकायत फूड पॉइजनिंग से हुई है या पास ही खेत में कीटनाशक का छिड़काव होने से इन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। हालांकि स्थिति गंभीर नहीं है, किंतु फिर भी छात्राओं को प्रिकॉशन के लिए रात्रि में धार के जिला चिकित्सालय में रखा गया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सर जी, खेत की दवाई तो का हॉस्टल जो है वो खेत के आसपास है क्या? अच्छा, स्कूल में भी खाना खाया था? क्या खाया था स्कूल में? फिर बीमार कब हुए आप लोग? अच्छा, उसके बाद में क्या किया मैडम को बताया फिर उसके बाद? कितने बच्चे आए करीब आप? और मतलब टोटल कितने बच्चे थे उसमें? तो उसमें से जो है बीमार कितने हैं? ठीक, नाम बता दो। ये बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से आए और कहते कि हमको सिर दर्द हो रहा और घबराहट हो रही, तो सर मैंने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया और उसके बाद हम सीधे इनको अस्पताल ले आए। क्या हो गया? सिर दर्द हो रहा सर, चक्कर आ रहे थे और कुछ को पेट दर्द हो रहा है। कौन सा रिश्ते के जी बीवी धरावरा? कौन से स्कूल में जाते हैं सर? ये माध्यमिक विद्यालय धरावरा में जाते हैं, वहाँ से आने के बाद हुआ स्कूल से। आपका नाम? शर्मिला ठाकुर। हुआ सर, क्या रहा सर, क्या मामला? केजी बीवी छात्रावास है धरावरा में, यहाँ से धार हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से थोड़े बच्चे जो फूड पॉइजनिंग की कंप्लेंट्स यहाँ पर रेफर हुए हैं। 24 बच्चियाँ अभी यहाँ पे भर्ती है जिला अस्पताल में, जहाँ पे हमारे पीडियाट्रिशियंस टीम यहाँ पे लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है और 2 पीडियाट्रिशियंस हमने हॉस्टल में भेजा है, तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे कोई सीरियस कंडीशन में नहीं है। 2-3 लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचिंग है, तो उनको विशेष अभी सभी को फ्लूइड्स चल रहा है, तो वो 1-2 घंटे में टोटल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कॉशन के तहत हम लोग उनको सुबह तक मॉनिटरिंग करने के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे। अब उसका एग्जैक्ट रीज़न फूड पॉइजनिंग है या नज़दीक कोई इंसेक्टिसाइड फॉस्फोरस कंपाउंड के कारण हुआ है, उसका जांच करेंगे और जो भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है वो हम लोग कल टीम को भेज के करेंगे। सर, प्रारंभिक जांच में क्या पाया गया सर? हॉस्टल अधीक्षिका ने कुछ बताया हुआ सर अभी किस कारण से हुआ? मुझे लगता है कि उसमें मध्याह्न भोजन जो है काफ़ी समय हो गया लेके बच्चे, और उसके बाद अभी छिड़काव इंसेक्टिसाइड्स का नज़दीक खेतों में हुआ है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। सर, दोषियों पे कार्रवाई होगी सर इसमें जो कोई पाया गया? नहीं, तो पहले तो पता तो चले कि कौन से कारण से है। डेफिनेटली उसमें कोई किसी की लापरवाही हो तो कार्रवाई होगी, लेकिन अब वो इंसेक्टिसाइड्स के कारण है या किसके कारण है वो पता कन्फर्म हो जाए, उसके बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।